मध्य प्रदेश के खरगोन में मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नर्मदा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मां मैकल सेवा संस्थान सहित श्रद्धालुओं ने मां का हजारों लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया। क्विंटलों से हलवा प्रसादी का भोग लगाकर चुनरी चढ़ाई गई। नर्मदा जयंती पर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़वा में नर्मदा जयंती पर जन सैलाब उमड़ा। करीब 1.25 लाख लोगों ने नर्मदा में डुबकी लगाई। जीवन दायिनी माँ नर्मदा के जन्म समय दोपहर 12 बजे महाआरती प्रारंभ हुई। दादा दरबार से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए माँ के आंचल में पुष्पों की वर्षा की गई। हजारों हजार हाथ एक साथ उठकर मां नर्मदा की जय जयकार करने लगे। पूरा तट मात श्री नर्मदे हर के गुंजायमान हो उठा। संस्था द्वारा विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारा प्रसादी का आनंद लिया। मां नर्मदा तट पर हजारों श्रद्धालुओं को देखते हुए SDM के निर्देश में डॉक्टरों की मेडिकल टीम तैनात रही। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इंदौर और खंडवा की ओर से आने वाले ट्रकों कंटेनरों के मार्ग को शाम तक के लिए डाइवर्ट किया गया। इस पूरे आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 100 से अधिक जवानों पर फोर्स बुलवाया कर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक बार मैं बगैर माइक के बोलूंगा, देखिए कितनी आवाज आती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।